ये सरकार ये कहना चाहती है मान्यवर, ये हिंदुस्तान की सबसे बुद्धिहीन सरकार है। 7 वर्षों तक ये सत्ता में रहे, इनको एमसीडी के एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, भ्रष्टाचार। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। ये सरकार ये कहना चाहती है मान्यवर, ये हिंदुस्तान की सबसे बुद्धिहीन सरकार है। 7 वर्षों तक ये सत्ता में रहे, इनको एमसीडी के एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, तब एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। सात साल के बाद इस सरकार को दिन में अचानक सपना आया। उस दिन मान्यवर 9 मार्च की तारीख थी, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के लिए करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उसी के ठीक पहले इनको सपने में आया कि एमसीडी का एकीकरण करना है, एमसीडी को एक करना है, और इन्होंने चिट्ठी भेज के चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता को खत्म करने का काम किया है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से रोका है। यह बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है मान्य, ये बिल केजरीवाल फोबिया बिल है। अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए। केजरीवाल को रोकने के लिए कह रहे हमें एमसीडी चलानी है, एमसीडी चलानी है। संदेश सिंह, मैं अरे क्या क्या बोला गया सर? नहीं नहीं, डोंट गो इन द पर्सनल, क्या क्या बोला गया? डोंट मेक पर्सनल, क्या क्या बोला? डोंट मेक पर्सनल। मैं आ रहा मुद्दे पे आ रहा हूं मान्यवर, ये केजरीवाल फोबिया बिल है। केजरीवाल से इनको डर लगता है, रात के सपने में इनको केजरीवाल आते हैं, चुनाव हारने की गाथा बता रहे थे। गृह मंत्री जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि वो लोग राजनीति में कायर होते हैं जिनके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता। आपने बहुत अच्छा किया बताया, उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हुई, बहुत अच्छा किया बताया आपने कि गोवा में हमारी जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में हुई। मैं सोच रहा था 51 से निकालूंगा तो आप ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा बात से ही शुरू कर रहे हूं सर। ये 80 में चुनाव में लड़े तमिलनाडु में, 0 सीट आई। 84 में लड़े, 0 सीट आई। 89 में लड़े, 0 सीट आई। 91 में लड़े, 0 सीट आई। 96 में लड़े, 1 सीट आई। 2001 में लड़े, 4 सीट आई। 2006 में लड़े, 0 आई। फिर 2011 में लड़े, 0 आई। 2016 में लड़े, 0 आई। 41 साल, 42 साल टू डू इट द बिल। अब अरे बोले पे कितना बोला इन लोगों ने, यहाँ पे जमानत जब्त की कहानी सुना के बंद करूंगा। साहस रखिए। केरल में 82 में 0, 87 में 0, 91 में 0, 96 में 0, 2001 में 0, 2006 में 0, 2011 में 0, 2016 में 0। आपका टाइम खत्म हो चुका है, आपका टाइम इतना ही है और आपका टाइम खत्म हो चुका है। सर ये गलत, फिर आप बोले रहे गलत तरीका है, और एक ही बात को रिपीट करें। दिल्ली के बिल पे बोले, रिपीट ना करें, दिल्ली के बिल पे बोले। यहाँ ये बताया गया कितने सीटों पे जमानतें जब्त हुई। सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, 2012 में 10 साल पहले गृह मंत्री जी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में
आपकी पार्टी का जमानत जब्त कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतिहास पलटिए और जानिए। और मैं आपको बताता हूं, परम प्रतापी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए सर प्रचार करने, 73 सीटों पर लड़े हैं लोग, 54 सीटों पर वहां इनकी जमानत जब्त हुई। अब एमसीडी बिल पे आता हूं सर। आप खत्म, इन्होंने कहा कंक्लूड कीजिए। सौतेली मां, ये गृहमंत्री का शब्द है सर, गृहमंत्री के शब्दों का जवाब नहीं दूंगा सर। सौतेली मां उन्होंने कहा, सौतेली मां कीजिए, सौतेली मां कौन है सुनो जरा ध्यान से। 2014-15 में दिल्ली को मिला 325 करोड़, 2015-16 में 325 करोड़, 2016-17 में 325 करोड़, 2017-18 में 325 करोड़, 2018-19 में 325 करोड़, 2019-20 में 325 करोड़। सर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लाखों करोड़ रुपए का टैक्स दिल्ली की जनता देती है, मात्र 325 करोड़ रुपए आप हर साल देते हैं। और हमने एमसीडी को कितना दिया माननीय गृह मंत्री जी, जरा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। एमसीडी को सर आप वाइंड अप कीजिए सर, टाइम खत्म हो गया। देखिए मुद्दे का बोल, आप कहिए तो नहीं बोलते, मुद्दे का कोई सच नहीं है तो नहीं बोलते, टाइम कंस्ट्रेंट है आप नहीं बोलते। दिल्ली से जुड़ा हुआ मुद्दा, ये मुद्दा भी नहीं सुनने के, एमसीडी का मुद्दा तो सुनने दीजिए सर। आखिरी एक मिनट आपको दे रहा हूं, आखिरी एक मिनट। ऐसे करोगे तो फिर कोई बोल नहीं पाओगे, इतना कमजोर मत समझना। एक आदमी नहीं बोल पाओगे, एक आदमी सदन चलने नहीं पाएगा। कायरता वाले काम थे नहीं, कायरता के काम मत करो। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, 30% एक्सपांस किया जाए, दिल्ली ने दिया एक्सपांस किया जाए, जो थ्रेटनिंग वर्ड्स है इसको एक्सपांस किया सर, खत्म करो सर। हमने इनको 2016-17 में 2700 करोड़ दिया, 2017-18 में 3224 करोड़ दिया, 2018-19 में 3444 करोड़ दिया, 2019-20 में 4756 करोड़ दिया, और इस बार इनको 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा धन इनको दिया। थैंक यू एमसीडी। अरे सर अब हो गया, अब हो गया। ऐसे नहीं, खत्म करो। नहीं, ऐसा नहीं है, कंक्लूड करो सर। नहीं, आपको 5 मिनट पहले मैंने आपका टाइम खत्म हो चुका है, आप कंक्लूड कर रहे हो। नहीं, आप कंक्लूड कर रहे हो, अंतिम पॉइंट खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव से भागना है, तो इस बिल का नाम मैं फिर आपको सजेस्ट कर रहा हूं, केजरीवाल फोबिया बिल रख दीजिए। और अंत में एक लाइन खत्म करूंगा सर, खत्म कर रहा हूं। श्री राम जी, ये बिल आपके कार्ड खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल ये बिल खत्म हो चुका है। आपके कायरता की कहानी लिखेगा ये बिल, आपके भगोड़ेपन की कहानी लिखेगा ये बिल, आपके संविधान को कुचलने की कहानी लिखेगा ये बिल, आपके द्वारा चुनाव आयोग को समाप्त करने की कहानी लिखेगा। और आप आओ सर, रखिए आप बैठ जाए आप बोलिए। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.